राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मलाई कस्टर्ड केक रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही कम सामान के साथ हम इसको बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बनानी है चाशनी। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी ली है, और जितनी हमने यहाँ पर चीनी ली है उतना ही हमें यहाँ पर पानी लेना है। तो हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी नहीं बनानी, हमें पतली सी चाशनी बना करके तैयार करनी है, जैसी हम जलेबी के लिए या फिर गुलाब जामुन के लिए बना करके तैयार करते हैं। हल्की सी चिपचिपी हो जाएगी, इतना हमें यहाँ पर इसको पकाना है। अब हमें यहाँ पर डाल देना है इलायची पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर का फूड कलर। आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर की जगह केसर के धागे भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल भी बना सकते हैं। इससे बस कलर जो है बहुत ही प्यारा आएगा। तो अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से पका लेना है। तो फ्रेंड, चाशनी जो है बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें साइड में रख देना है और गैस पर हमें एक कढ़ाई को चढ़ा देना है। अब हमें यहाँ पर लेना है दूध। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है, और ये मैंने फ्रिज का उबला हुआ दूध लिया है। तो इसके ऊपर से हमने मलाई को निकाल दिया था। आप चाहें तो यहाँ पर मलाई वाला दूध, फ्रेश दूध भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फुल क्रीम का मलाई वाला दूध लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर बिना मलाई वाला दूध लिया है, तो हम बाद में थोड़ी सी मलाई ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पर डाल देनी है चीनी। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाली है, क्योंकि हमने जो है चाशनी भी बना करके तैयार की है। तो यहाँ पर कम ही चीनी डालें, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से उबाल लेना है, अच्छे से इसको पका लेना है। जब ये बिल्कुल आधा हो जाएगा, इतना हमें यहाँ पर इसको पकाना है। तो इसको पकने में यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगेगी। अब हमें यहाँ पर लेना है कस्टर्ड। तो मैंने यहाँ पर वेलिना कस्टर्ड लिया है, आपके पास जो भी हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर नहीं है, तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर और यहाँ पर अरारोट यानी कि कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है कस्टर्ड पाउडर लिया है 2 चम्मच। अब हमें यहाँ पर लेना है दूध। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल फ्रिज का जो दूध है वो लिया है ठंडा। अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर दूध को डालते जाना है, और इसका एक घोल बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि कोई भी लम्स ना रहे। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, और जो हमारा घोल है बन करके तैयार हो चुका है, और जो दूध है वो भी हमारा अच्छे से पक करके तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, दूध को एक बार और अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है, चला लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड का घोल बना करके रखा है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, और इसको लगातार हमें चलाते जाना है। तो हमें यहाँ पर इसको लगातार चलाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर लम्स पड़ जाएंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, ये यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हमें जो बचा हुआ कस्टर्ड है वो भी डाल देना है। सारे कस्टर्ड को हमें यहाँ पर डाल देना है, और अच्छे से हमें यहाँ पर इसको फेंट लेना है। जब आप यहाँ पर जो कस्टर्ड का घोल डालेंगे, तो उसके बाद आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको पकाना है। अब इसको और भी टेस्टी और भी क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दूध के ऊपर जो मलाई आती है, फ्रेश मलाई, वो मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आप पहले से यहाँ पर फुल क्रीम का दूध ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मलाई डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इस मिठाई को बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेने हैं रस। ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस तरह का कोई भी बर्तन लेना है, जिसमें आपको इसको सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर कांच का एक बाउल लिया है, और इसके अंदर हमें रस को सेट कर देना है। तो इस तरीके से अच्छे से हमें इसको सेट कर देना है, जितने भी एक बारी में आएंगे इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सेट करने के बाद अब चाशनी को हल्का सा गरम कर लेना है, और चाशनी को गरम करने के बाद रस के ऊपर इस तरीके से हमें चाशनी को डाल देना है। तो अच्छे से चाशनी को डाल देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो कस्टर्ड का हमने घोल बना करके तैयार किया है, उसको हमें अच्छे से कवर कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कस्टर्ड दिखा देती हूँ, एकदम ठंडा हो चुका है, और आप इसकी कोटिंग देख सकते हैं, ये स्पैचुला के अंदर अच्छे से कोट हो रहा है। तो इतना हमें यहाँ पर इसको ठंडा कर लेना है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को हमें इस तरीके से अच्छे से रस के ऊपर कोट कर देना है।
फ्रेंड्स, ये जो हमारी मिठाई बनकर के तैयार होती है इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती हैं, और बच्चे हों या फिर बड़े हों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब इसी तरीके से वापस से हमें रस को डालना है, अच्छे से सेट कर देना है। वापस से हमें यहाँ पर चाशनी लेनी है और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर 3 लेयर बना करके तैयार कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छे से इसको सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 लेयर में इसको सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो अपनी पसंद के कोई भी आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं और थोड़े से मैंने यहाँ पर लिए हैं कद्दू के बीज। आप चाहे तो यहाँ पर पिस्ता भी ले सकते हैं, काजू से भी गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको गार्निश कर देना है और इसको फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये जो केक होता है ये ठंडा ही अच्छा लगता है। तो इसको हमें फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको रखा है और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हमें यहाँ पर कर लेनी है इसकी कटिंग। तो देख सकते हैं आप, कटिंग करने से आपको पता चल रहा है कितना सॉफ्ट जो हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये रेसिपी फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है और अब हम यहाँ पर इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसके पीसेस को निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको काट करके दिखा देती हूँ, एकदम सॉफ्ट हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।